हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मेटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको लैंग्वेज को बोलना और सुनना के साथ साथ क्या लिखना भी सिखाया जाता है, बोलना सुनना और लिखना भी सिखाया जाता है। तो इसमें चारों स्केल इंक्लूड होती है, एल एस आर और डब्ल्यू। ठीक है, एल एस आर और W, ये तीनों स्किल, चारों स्किल्स आपके काम में आती है। लैंग्वेज लैब क्या होता है, एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, इफेक्टिव वे से सिखाई जाती है, और इसमें आपका स्पीकिंग का और लिसनिंग का विकास किया जाता है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे परिभाषाएं देखने को मिलेंगी, फिर अपने चलते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी की तरफ। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है वो ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी के अंदर कब खुली है, 1908 में खुली है, और फिर 1940 के अंदर मिशिगन यूनिवर्सिटी जो थी उसने ऑडियो लिंगुअल मेथड को डेवलप किया, जिससे कि क्या फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग आसानी से हो सके। फिर इन्होंने बता दिया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने के साथ साथ रीडिंग और राइटिंग पे भी फोकस किया जाता है। दूसरा है, इसमें प्रोनाउंसिएशन कराई जाती है, मॉडल प्रोनाउंसिएशन और बार बार रिपीटेशन होती है और रिकॉर्ड किया जाता है और खुद ही असेसमेंट करने को कहते हैं, और सेल्फ करेक्शन होती है, बार बार प्रैक्टिस होती है और एक ही वे से ये सीखते हैं। जो लैंग्वेज लैब है उसने क्या ऑफर किया अपने को, तो टेक्स्ट इमेजेस वीडियो के माध्यम से क्या जो टीचर हैं वो बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, और लर्नर कैन रिकॉर्ड देयर ओन वॉइस, लर्नर रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और टीचर उसको रिजल्ट देता है। उसके बाद में ये सेल्फ एक्सेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकते हैं जो कि उनको क्लासेस के बाहर देखने को मिलता है। टीचर कैन इंटरवेन एंड कंट्रोल द लर्नर कंप्यूटर वी आर टीचर। अब टीचर जो है वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को कंट्रोल करता है कि बच्चे ने किस किस तरह से लाइंस को पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसमें पर्पज है, क्या क्या पर्पज रहे हैं। पहला पर्पज यह है कि स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है उसको लैंग्वेज लर्निंग के अंदर लाना, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या है भाषा को बोलना सीख सके, पढ़ना सीख सके। ठीक है, और भाषा बोलना और सीख सके ऐसे ढंग से जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर होता है, वो नहीं देखना कि टीचर आया पढ़ाई गया, वो नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से। विद लैंग्वेज लैब ऑल स्टूडेंट इन द क्लास स्पीक साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार बच्चे बोलते रहें, और जो क्लास का साइज भी है उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए लैंग्वेज लैब के अंदर, और सभी को क्या है 1 मिनट से कम की स्पीकिंग करानी चाहिए। उसके बाद में अपने जैसे नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसमें क्या है कॉम्पोनेंट्स होते हैं कुछ लैंग्वेज लैब के, क्या क्या कॉम्पोनेंट है। पहला हियरिंग बूथ। हियरिंग बूथ का मतलब सुनने वाले होते हैं, जैसे कानों के अंदर हेडफोन लगते हैं वो चीजें हैं, तो यहाँ पे 16 से 20 क्या बूथ लगे होने चाहिए टेबल सीट के पास, ताकि बच्चे सारे के सारे सुन सकें। ये साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे किसी और की आवाज ना आए, और जितने भी क्यूबिकल हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए कंसोल से, मतलब जो इंस्ट्रक्टर है बोलने वाला, जो इंस्ट्रक्टर है या सुनने वाला तो हो गया स्टूडेंट, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कौन जो कि उसको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आदमी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। वहाँ पे माइक्रोफोन होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए और रिकॉर्डर होना चाहिए। उसके अलावा टीचिंग प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया वो टीचर के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद में कंपोनेंट सेकंड क्या होता है, कंसोल। कंसोल का मतलब क्या है, वहाँ पे मास्टर टेप होना चाहिए ताकि उनको सुन के बच्चा ढंग से कम्युनिकेशन कर सके, टू वे कम्युनिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस टू डायरेक्ट द रिकॉर्डिंग प्रोग्राम टू द लर्नर, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम क्या है बच्चों को दिए जाने चाहिए। उसके बाद में जैसे क्या है मॉनिटरिंग स्विचेस टू इनेबल द इंस्ट्रक्टर टू लिसन द लर्नर्स। अब क्या है कि बच्चों ने रिकॉर्ड करके रख दिया तो वो इंस्ट्रक्टर सुनेगा, तभी जाके उसको बतलाएगा कि क्या क्या गलतियां। कम्युनिकेशन सिखाता है, ग्रुप कॉल स्विच है कि ग्रुपिंग के अंदर भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कॉल कॉल स्विच है मतलब कि लर्नर्स जितने भी हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में अनाउंसमेंट देनी है तो वो एक साथ दे सकें, और एक है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर क्या है रिकॉर्ड रूम होता है जिसके बीच में सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, जो भी बच्चा बोलता है उसको टेप्स के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके अलावा भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे क्या है बच्चा उसे आसानी से सीख सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर है,
हेडफोन हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट हैव ए मीडिया प्लेयर हो गया, फिर उनकी पोजीशन है कि कैसे कैसे जुड़ा होता है, एक का सर्वर होना चाहिए सेपरेट, उसके बाद में क्या क्या करेक्टरिस्टिक अच्छे लैंग्वेज लैबोरेटरी के होते हैं। पहला अटेंशन, मतलब कि ध्यान होना चाहिए, अगर टीचर का ध्यान नहीं है या बच्चे का ध्यान नहीं है वो बहुत बड़ी दिक्कत है कि बच्चे पढ़ रहे हैं पर टीचर का ध्यान नहीं है, तो ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए क्या है, टीचर का ध्यान होना चाहिए और जितना भी वहाँ पे मटेरियल है वो पढ़ने लायक होना चाहिए ताकि बच्चे उनको पढ़ सकें, सीख सकें, लिसन कर सकें और बाद में क्या है उसका एनालाइज कर सकें जो भी उसको लेसन पढ़ाया गया। उसके बाद में बिल्डिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस कैसे बनता है, जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नॉलेज दी जाएगी तब उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वाइल लर्निंग इन द कंप्यूटर लैंग्वेज लैब, जब भी वो लैंग्वेज लैब के अंदर पढ़ते हैं तो ठीक है। प्रैक्टिसिंग विद सिस्टम, सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, और तो जो भी एप्लीकेशन है उसके द्वारा क्या है उनकी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी आगे जाके कुछ ना कुछ सीख सकें। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, जो सुनने की शक्ति है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसीलिए हेडफोन का यूज किया जाना चाहिए। और यहाँ पे कई और है, जैसे एड्स होती हैं, टीचिंग एड्स होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए होती है, और सुनने के लिए जितना ज़्यादा उसके हेडफोन्स का यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद में और देखते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होती है इन टीचिंग मटेरियल को लेके, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मटेरियल और बार बार रिपीटेटिव लर्निंग के ऊपर क्या बेस किया जाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें, बोर ना हो, ये चीज़ का जरूर ध्यान दें कि ज़्यादा ज़्यादा बार पढ़ रहा है तो बोर हो जाएगा, उसको लिमिटेड टाइम के लिए दें, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम। तो लैंग्वेज लैब के अंदर क्या है, जो भी खाली बचा समय है उसके बीच में टीचर बच्चे के लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर इम्प्रूव करने के लिए उसे क्या है लैंग्वेज लैब के अंदर लेके जाए और उसका जो टाइम है वो उसको एक लेसन दे ताकि वो सही ढंग से सीख सके। अब जो काइंड्स हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के वो कैसे कैसे होते हैं तो वो देख लेते हैं अपने। सबसे पहला है ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, एक रिकॉर्डर होता है और कैसेट होती है, बच्चे उनको कानों में लगा लेंगे और उसको सुनते रहेंगे। द टेप यूजली कंटेन टेक्स्ट और स्टोरीज रीड अलाउड बाय ए नेटिव लैंग्वेज स्पीकर। तो पहले क्या होता था कि एक टीचर है, मान लो ये टीचर है ठीक है, अभी ये यहाँ से बोली जा रहा है उनकी लैंग्वेज के अंदर और बच्चे क्या है यहाँ पे बैठे सारे सुन रहे हैं, ये सारी चीज होती थी, या एक टीचर ही रिकॉर्ड करके इनको क्या सारी क्लासेस दे देता था ताकि ये सुनते रहें ठीक है, एक चीज तो होगी ये। दूसरा है लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन का मतलब क्या है, इससे एक लिटिल मॉडर्नाइजेशन आया है, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि पहले से कुछ डिफरेंट किया है। इसमें क्या हेडफोन अगर वो कानों के ऊपर लगा लेंगे तो क्या ऑडियो कैसेट से उसे वापस पीछे भी किया जा सकता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पीछे किया जा सकता है, पहले पीछे नहीं किया जा सकता था। उसके बाद में आ गई मोबाइल लैब। मोबाइल लैब के अंदर क्या स्टोरेज स्पेस हेडसेट्स के अंदर, अब क्या होता है कि अगर अपने कैसेट के अंदर कोई भी डाटा सेव करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही हो सकता है, कम ही हो सकता है ठीक है, पर मोबाइल लैब आने के कारण क्या डाटा को आगे पीछे भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेके जाया जा सकता है। फिर आती है वायरलेस लैब, जिसमें क्या वायर्स का यूज नहीं होता है, सीधा हेडफोन अपने कानों पर लगाओ और स्टार्ट हो जाते हैं, कोई वायर नहीं होती है। उसके बाद में रिमोट कंट्रोल्ड लैब, अब क्या है इसके बीच में स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कुछ सुन रहे हैं, टेप सुन रहे हैं, तो उस सारी टेप्स को एक ही चीज से क्या कनेक्टेड किया जाता है ताकि उनके जितने भी एक्टिविटी है उसको ध्यान रखा जा सके ठीक है। उसके बाद में आता है एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब के एडवांटेज क्या है, पहला तो डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर ठीक है, स्टूडेंट जल्दी से जल्दी सीख पाते हैं और इनके जो जो टीचर होता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके बीच में, और ये फास्टर कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है और स्टूडेंट क्या है इसमें सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये तो एक हाइयर कॉस्ट की होती है, इतना सबको मिल नहीं पाता, क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल पाती हैं और यहाँ पे कंप्लीट टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती है, ट्रेन टीचर नहीं है, वही चीज होगी। और इसके बीच में क्या है कि बार बार अपग्रेड करने से स्कूल के ऊपर बर्डन बढ़ता है, किसका, पैसे का, फाइनेंस का ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन है कि ये हेल्पफुल है टूल, पर उन स्कूलों के अंदर हेल्पफुल है जहाँ पे क्या फाइनेंस की कमी नहीं है, मतलब पैसे की कमी नहीं है, वहाँ पे फायदेमंद है और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन रिपीटेशन और रिकॉर्ड कराया जाता है ताकि वो बच्चे सही ढंग से सीख सकें, और एवरी पार्टिसिपेंट इज और हर प्राइवेसी टू स्पीक और लिसन, मतलब कि
ठीक से ढंग से कर सके और लिसन से ढंग से कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।